तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब चलिए सबसे पहले हम इडली स्टैंड को गैस के ऊपर रखेंगे। आपके पास कोई सा भी इडली स्टैंड हो वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कढ़ाई वाला इडली स्टैंड है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब इसको हम ढक के बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पानी गर्म हो रहा है, तो चलिए हम इडली स्टैंड के अंदर ऑयल लगा लेते हैं। तो हम सारे खाँचों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। और अब आप ब्रश की सहायता से इस तरह अच्छे से फैला देंगे। अगर आपके पास इस तरह की ब्रश ना हो तो हाथ की सहायता से भी तेल को फैला सकते हो। इसी तरह हम दूसरे स्टैंड में ऑयल लगाएंगे। हमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ चिकनाहट होनी चाहिए इतना ही हमें इस्तेमाल करना है। तो हमारी दोनों ट्रे तैयार है। ये हमारा बैटर है, बैटर के अंदर हम डालेंगे इनो जिससे ये सॉफ्ट बन सके। तो मैं यहाँ एक इनो पाउच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनो का इस्तेमाल हमें तभी करना है तब हम इडली बनाएंगे। इनो डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए डालने के बाद अंदर बबल उठने लगे हैं। इसको लगातार 2 सेकंड के लिए फेंटते रहेंगे इस तरह से, जिससे हमारा बैटर वो अच्छा बने। तो ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार है। अब चलिए इनको स्टैंड के अंदर डाल देते हैं। हमें बैटर को फुल भर के नहीं डालना है क्योंकि फूलने के बाद ये ऊपर उठ जाएंगे, इसलिए हमें एक एक चम्मच ही डालना है। इसी तरह हम दूसरे स्टैंड में डाल लेते हैं। अब बाकी बचा हुआ बैटर को हम ढक के रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों इडली स्टैंड तैयार है और पानी भी हमारा उबल के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसके ऊपर हम दूसरी ट्रे रखेंगे। तो ये देखिए दोनों ट्रे सेट हो चुकी है कुकर में। अब इसको हम ढक देते हैं। इडली को पकने के लिए कम से कम हमें 20 मिनट लगेंगे। सब कहते हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में हमारी इडली बनके तैयार हो जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, इडली 15 से 20 मिनट में पकेगी। तो इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये अभी नहीं पका है तो इसको फिर से हम ढकेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे इडली को पकाते हुए पूरे 18 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसको हम चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से या फिर किसी कांटे की सहायता से चेक करेंगे। तो अभी थोड़ी सी और कच्ची है इसलिए मैं फिर से ढक के पकाऊंगी। अब दोबारा इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारी इडली को पूरे 20 मिनट लगे हैं पकने के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये देखिए, एकदम साफ़ है चाकू हमारा। तो चलिए अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकती हो कितनी फूली फूली हमारी इडली बनी है। तो मैंने दोनों सांचों को बाहर निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़ी हल्की ठंडी हो चुकी है और चाकू की सहायता से इस तरह से हम नीचे से कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी इडली कितनी फूली फूली है। तो इसी तरह हम सारी इडलियों को निकाल लेंगे सांचों से। तो चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इडली को हरी चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाई गई सूजी की इडली साउथ इंडियन स्टाइल आपको कैसी लगी? तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखिए। ओके, बाय, थैंक यू।